एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत रहती थी जो अंधी थी। उसका एक बेटा था जो पढ़ाई करता था, लेकिन उसका बेटा जब स्कूल जाता था तो स्कूल के बच्चे उसे यह कहकर चिढ़ाते थे कि देखो अंधी का बेटा आ गया, देखो अंधी का बेटा आ गया। हर बात पर उसे यह शब्द सुनने को मिलता था, इसलिए वो अपनी माँ से चिढ़ता था, उसे कहीं भी अपने साथ लेकर जाने में हिचकिचाता था और उसे नापसंद करता था। उसकी माँ ने उसे पढ़ाया और उसे इस लायक बना दिया कि वह अपने पैर पर खड़ा हो सके, लेकिन जब वो बड़ा आदमी बन गया तो उसने अपनी माँ को छोड़ दिया और अपनी माँ से अलग रहने लगा। एक दिन उसकी माँ उसके घर आई और दरवाजे पर खड़े गार्ड से बोली, कहाँ है तुम्हारे साहब, मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है। जब गार्ड ने अपने मालिक को फोन लगाया और अपने मालिक से पूछा, मालिक आपसे कोई मिलना चाहता है? मालिक ने इसका जवाब देते हुए कहा, बोल दो मैं अभी घर में नहीं हूँ। गार्ड ने जब उससे बोला कि वो अभी नहीं है तो वो वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद जब लड़का अपने कार से ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो देखता है सामने बहुत भीड़ लगी है, और ये जानने के लिए कि वहाँ भीड़ क्यों लगी है वो वहाँ गया तो उसने देखा कि उसकी माँ मरी पड़ी थी और उसके हाथ में मुट्ठी बंधी हुई थी जिसमें कुछ था। उसने जब मुट्ठी खोल के देखा तो एक पर्ची निकली जिसमें ये लिखा था कि बेटा जब तू छोटा था तो खेलते वक्त तेरी आँख में सरिया घुस गया था और तू अंधा हो गया था, तब मैंने तुझे अपनी आँखें दे दी थी ताकि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके और अपने पैर पर खड़ा हो सके। इतना पढ़कर लड़का जोर जोर से रोने लगा क्योंकि उसके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा था। दोस्तों, माँ बाप का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते, उनके प्यार का अंदाज ही अलग होता है। दोस्तों, कभी समंदर को ठुकरा देते हैं तो कभी आंसू तक पी जाते हैं।